कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम ना करना, खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये है मेरी मंसूरी देहरादून की ट्रिप का लास्ट एपिसोड और थर्ड वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप इसको इन्जॉय करेंगे। मैं आज की इस वीडियो में आपको इन्जॉय भी बताऊँगा और मेरे को क्या क्या परेशानियाँ हुई और कैसे कैसे मैं चीज़ें मेंटेन करता हूँ, मैं इसके ऊपर तो एक डिटेल वीडियो अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारी चीज़ें आपको खोलकर ओपन करके बताऊंगा। तो देखिए, मैंने मंसूरी देहरादून पहुंचने के बाद में कहां कहां स्टॉप किया वो वीडियो में आप पहले देख चुके हैं। अब देखिए, मैं यहां मंसूरी माल रोड पर आया था, जिसको क्वीन ऑफ द हिल बोला जाता है उत्तराखंड की मसूरी। मैंने यहाँ पर आइसक्रीम का मज़ा लिया, मौसम बहुत ही ठंडा था और ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि भाई हम लोग गर्मियों में हैं। दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, फिर भी 38-40 टेम्परेचर हो रहा था, 38-40 के आसपास, और यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 10 के आसपास टेम्परेचर था, 10-12 डिग्री। देखिए, सारा फोग नीचे आया हुआ था और ठंड लग रही थी यहाँ पे, फिर भी हम आइसक्रीम के साथ इंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ में। ज़िंदगी का मज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। परेशानियाँ और गम के साए में अगर हम लोग रहेंगे तो आगे का सफ़र हमारा मुश्किल हो जाएगा। समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं सिखाता। अगर हम किसी वजह से रुक गए और चीज़ों को नहीं अरेंज कर पाए, मेंटेन कर पाए, तो समय बर्बाद हो जाएगा और एक वक्त के बाद में उम्र निकल जाएगी और हम अफसोस के अलावा हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं अपनी वीडियोस में यही सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करने के लिए दिखाता हूँ, जिससे कि आप लोग भी इंजॉय कर सकें। जो लोग अरेंज करके जा सकते हैं, वो अरेंज करके किसी भी तरह जाएं। स्टार्टिंग में सबके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, मेरे साथ भी 2-3 साल तक प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद में चीज़ें जब मैंने मेंटेन की, ऊपर वाले का नाम लेना चालू करा और हिम्मत बनाई अपने बच्चों के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, तब मैं जाने लगा। अब मुझे ये सब चीज़ें देख के बड़ा इन्जॉय फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं इन वादियों से कभी जाऊँ ना। दिल्ली के ट्रैफिक और दिल्ली की जो घुटन और एक रूम में बंद रहना, इन सारी चीज़ों से निकल के मैं इंजॉय करने आया। कैंपटी फॉल पहुँचे, कैंपटी फॉल मैं तो नहीं गया था क्योंकि काफ़ी डाउन पर है और जो ट्रैम्प यहाँ पे चलती है ट्रॉली, उसके अंदर व्हीलचेयर नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं नीचे नहीं जा पाया, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर लगभग डाउन जाना पड़ता है हिल के नीचे, तभी आप वाटरफॉल पर जा सकते हैं इंजॉय करने के लिए। तो मैं गाड़ी में ही बैठा हुआ अपने ड्राइवर के साथ वहीं इंजॉय कर रहा था और बच्चे देखे मेरे यहाँ पे पानी के अंदर इंजॉय कर रहे थे। तो मैं ये सब चीज़ें फील करता हूँ, महसूस करता हूँ कि किस तरह की फीलिंग होगी अपने बच्चों को खुश देखने के बाद में। ये सारी चीज़ें, फीलिंग्स मेरे अंदर आती हैं। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप भी इसी तरह जाया करें, प्रकृति के साथ इंजॉय किया करें। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग तो बहुत हैं, बाकी इंजॉय करने वाले लोग बहुत कम हैं। और हम लोग इस तरह की कंडीशन में आकर जाकर इन हसीन वादियों, इस पानी, इन झरनों का अगर हल्का फुल्का भी इंजॉय कर सकते हैं, तो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा मकसद पूरा हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी वही है जो जी रहे हैं। ये कहेंगे, वो करेंगे, या वो करेंगे, ये करेंगे, तो वो सब एक हमारा सपना ही रह जाएगा और ख्वाब में तब्दील हो जाएगा। और ख्वाब हमेशा जल्दी से किसी के पूरे नहीं होते हैं, ख्वाब भी उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं जो लोग कोशिश करते हैं। अगर हम लोग कोशिश ही नहीं करेंगे, बिस्तर पे लेटे रहेंगे, तो हमारे सपने भी पूरे कहाँ से होंगे। तो अगर अपने सपने पूरा करना चाहते हैं आप, तो किसी भी तरह चीज़ों को मेंटेन करें, अरेंज करें और कोशिश करें और एक हिम्मत बनाएं कि हम शेर हैं, हम शेर की तरह जाएंगे और अपनी चीज़ों को मेंटेन करके घूम के इंजॉय करके आएंगे। देखिए बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था वीडियोस देखकर कि भाई मैं भी वहाँ पर हूँ अपनी व्हीलचेयर पर। कौन तो है ना, ऐसे वो ऐसे कूद जाती है और
दोस्तों यहाँ पे मैं रुक के भट्टा फॉल पहुँचा, और भट्टा फॉल के सामने एक ये होटल बना हुआ था। एक हमारे फ्रेंड हैं, उन्हीं का ये होटल है। कभी आप मसूरी के आसपास भट्टा फॉल अगर आप जाएंगे तो वहीं पे लास्ट में एक होटल, एक ही ये होम स्टे टाइप का होटल बना हुआ, बहुत अच्छे रूम हैं इनके। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा स्वागत करेंगे, खाने पीने के लिए सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, रुकने के लिए रूम्स भी मिलेंगे। तो मैं यहीं पर रात को रुक गया था क्योंकि टाइम हो रहा था, मैंने कहा दूसरी जगह होटल ढूंढना पड़ेगा, तो मेरे इनसे बात हुई तो मैं यहाँ पे रुक गया। ये भी हमारे जैसे ही पेशेंट थे, किसी टाइम पर एल लेवल था इनका, पर ऊपर वाले का बहुत शुक्र करता हूँ कि ये ठीक हो गए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इसी तरह ठीक हो जाएं और अपने काम पर लग जाएं। तो देखिए कितना अच्छा होम स्टे होटल टाइप का इन्होंने बना रखा है, व्यू बहुत अच्छा था अंदर से। आप कभी भी अगर यहाँ जाएँ भट्टा फॉल मसूरी, याद रखिएगा मेरा नाम बता दीजिएगा, जहीर भाई ने भेजा है, तो आपको वैसे ही डिस्काउंट मिल जाएगा। आप आधे रेट में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सामने बच्चों के लिए एक्टिविटी की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे मसूरी में भट्टा फॉल बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर ट्रैम्प भी है, ट्रॉली जिसको बोलते हैं, और झरने वगैरह, और अंदर एक्टिविटीज़, साइकिलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के इंजॉय करने के लिए, पैराग्लाइडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। आप ना खाना खाइए, मज़े करिए, और फिर होटल में अपने रूम में रुक जाइए। आप ये ना सोचें कि स्टेयर छोटी हैं या बड़ी हैं, कैसे जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे। देखिए जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो सब चीज़ें ऊपर वाला अरेंज करा देता है, ऐसा नहीं है। फरिश्ते आज भी मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, जिस वक्त जिस इंसान की ज़रूरत होती है ऊपर वाला भेज देता है, बस हमारा मांगने का तरीका और मन सच्चा होना चाहिए। देखिए ये रूम बना हुआ है, काफ़ी डिलक्स और लग्जरी रूम है इनका, और बाहर यहाँ पर लॉबी में बैठ के अगर आप देखेंगे तो बाहर का नज़ारा इतना अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा, आपका मन सुंदर हो जाएगा, आप सारी परेशानियों को भूल जाएंगे। क्या यार लगे रहते हैं सारा दिन यूरिन मोशन यूरिन मोशन। जाइए कभी घूमिए, अपनी लाइफ को जिए, क्या कहते हैं ना, दिलवाले दुल्हनिया में जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी जीनी है, तभी लाइफ में हैप्पी हो पाएंगे, वरना तो परेशानियाँ बढ़ती जाएंगी। देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू लग रहा है, आप एग्जॉस्ट के लिए इनकी विंडो भी ओपन कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मोशन की यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लिश टॉयलेट भी ये यूज़ कर सकते हैं, देसी भी कर सकते हैं। आप अगर वो नहीं कर सकते, बेड पे मोशन वगैरह का कोई सिस्टम आपका है तो वो भी कर सकते हैं, बस आप चीज़ें अरेंज कर लें और जा सकते हैं। चीज़ें अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। मेन चीज़ है देखिए, जो लोग फैमिली वाले हैं और बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को घूमने लेके ज़रूर जाया करें, चाहे पेशेंट वाइफ है चाहे पेशेंट जेंट्स हैं, कोई भी हैं वो जाया ज़रूर करा करें, ना जाने से मन उदास हो जाता है। अगर चिराग भी आंधियों से डर गए होते तो सोचिए उजाले किधर गए होते। अगर हम लोग डर जाएंगे तो फिर हमारी लाइफ और कितनी ज़्यादा ख़राब होगी, इसका आइडिया आप नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों को समझ सकता हूँ, आपकी और अपनी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। मैंने भी वही सारी चीज़ें फेस की हैं स्टार्टिंग में जो आप आज भी कर रहे हैं, बस क्या है कि मैंने ऊपर वाले का सच्चे मन से नाम लिया और मैं बाहर निकल गया। देखिए रूम कितना अच्छा है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था, बहुत फोर्स किया। नागेश जी नाम है, नागेश रावत, आप इनसे जाके मिलिएगा होटल पर तो मिल जाएंगे, ऑनर हैं होटल के, ऐसा नहीं है कि मैनेजर हैं। ट्रैम्प देखिए यहाँ से हमारे होटल की लॉबी से ही ट्रैम्प ऊपर जा रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारी छत के ऊपर ही रुकेगी और हम यहीं से बैठ के बादलों में चले जाएंगे, और जाएंगे एक दिन हम लोग भी, ऐसा आप निर्णय और ऐसा एक अपना एम बनाइए कि हम भी जाएंगे घूमने। मुझे लगता है पिछली दो वीडियो मैंने डाली थी तो उनको देख के बहुत सारे लोगों का मन खुश हुआ होगा, और आपने उस वीडियो उन वीडियोस पर मेरे को सपोर्ट भी अच्छा किया है। आप वीडियो को शेयर कर दिया करें, वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दिया करें, जिससे कि और भाई बहनों तक भी ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। जब मैं इस कंडीशन में एक्चुअल में जा सकता हूं और रात के दिन के पहाड़ों के हर चीज़ के नज़ारे देखता हूं और आपको भी दिखाता हूं, तो मेरा भी मन करता है कि किसी तरह मैं भी आपको उड़ा के ले जाऊं अपने साथ में और सारे इंजॉय करूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरा परिवार हो, मेरा और कोई परिवार नहीं है, मेरा परिवार मेरी वाइफ मेरे दोनों बेटियाँ हैं और उसके साथ आप भी मेरा परिवार हो, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ इन चीज़ों को देख के ना, बड़ा फील करता हूँ, फिर मेरे को ये महसूस होता है कि यार नहीं, ये सारी चीज़ें मेरे भाई बहनों के साथ भी होनी चाहिए। अब देखिए नीचे ही रेस्टोरेंट बना हुआ है, रेस्टोरेंट में भी आपको सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी, बाहर गाड़ी रुक जाती है आके, ऐसा नहीं है कि आपको पैदल चलना है या व्हील चेयर बहुत दूर तक चलानी है,
अब यहाँ पे हम थोड़ा और आगे जाके नीचे डाउन हिल पे आए तो गुच्छू पानी पहुँचे, ये भी उत्तराखंड की एक फेमस जगह है। तो मैं यहाँ पे पहुँचा, मेरे साथ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी एक, तो उस प्रॉब्लम के बारे में मैं डिटेल से आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा कि मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम हुई थी इस जगह पर जाने पे, क्योंकि ये फीलिंग मेरे को लेनी थी। बार बार तो जाया नहीं जाता एक जगह पर, तो मैंने ये फीलिंग लेनी थी। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब पर, तो मैंने कहा मैं भी जाऊँगा, पर मैं अंदर तो नहीं जा पाया, पर लास्ट पॉइंट तक मैं पहुँच गया। मैंने बच्चों को भेजा, बच्चों ने इंजॉय किया पानी के साथ में, और यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ आए हुए थे, कपल्स आए हुए थे, सब लोग इंजॉय कर रहे थे और प्रकृति का पूरा मज़ा ले रहे थे। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है देखने के लिए, आंखें ठंडी करने के लिए और सीखने के लिए और सिखाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। नेचर की इस अच्छी खूबसूरत देन को मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ऊपर वाले ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दुनिया में देखने के लिए दी, तो क्यों ना हम सच्चे मन से उनका मज़ा लिया जाए। क्योंकि बच्चे यहाँ पानी में बैठे हैं, जोया सानिया, और सानिया की चप्पल यहाँ पर बह गई थी और फिर वो मिली ही नहीं चप्पल, पानी का बहाव थोड़ा तेज़ था तो पानी यहाँ थोड़ा सा, अभी बारिशें चल रही हैं तो इसलिए पानी थोड़ा गंदा था, वरना यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल वाटर की तरह पानी। देखिए दोस्तों, सानिया की चप्पल बह गई और सानिया चप्पल एक हाथ में लेकर बैठी हुई है यहाँ पर, तो किसी तरह वो वापस आ गया। जाए भी चीज़ वापस नहीं आती, जैसे वक्त निकल जाता है वापस नहीं आता, ऐसी चीज़ें भी वापस नहीं आती। देखिए इनको भी यहाँ पर पूरा इन्जॉय का मज़ा आ रहा है, क्योंकि किसी तरह वीडियो बनाई जाए और मेरे को भी दिखाया जाए। मैं कहाँ बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ धूप में बैठा हुआ था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं लास्ट पॉइंट पर पहुँच गया था। देखिए बिल्कुल यहाँ से नदी बह रही है और नदी के बिल्कुल कोने पर पहुँच गया था। मैंने जैसे बताया कि मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, और उस चीज़ की आपको भी केयर करनी है, उससे आपको बचना है, कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, उसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। फिर मैंने कहा मैं पानी के अंदर तो जा नहीं सकता, तो एक काम करिए, जो झरने का नेचुरल पानी आ रहा है इस पानी को बॉटल में भरते हैं, और बोतल में भरने के बाद में इसका मज़ा लिया जाता है कि पानी का ठंडा कितना है। देखिए फॉग जम गया, जैसे फ्रिज के अंदर से निकाला है। मंदिर के सामने मैं बैठा और यहाँ पे मैंने अपने हाथों के ऊपर पानी का फील लिया कि भाई पानी ठंडा कितना है देखते हैं, तो मेरे हाथों पे डाला तो मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे किसी ने काट दिए हों, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मेरा दिमाग भी ठंडा हो गया उसमें, और मेरे पैरों पर भी डलवाया, हाथों पर भी डलवाया, तो बड़ा मुझे अच्छा महसूस हुआ। तो मैं ऐसा करने लगा कि भाई नहीं, बस बस बस, पानी नेचुरल पानी इतना ठंडा था। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं वहाँ से पानी भर के लेके आता हूँ 15-15, 20-20 दिन का अपने साथ। दोस्तों मैं गाड़ी में है ना बिस्लरी की 20-20 लीटर की दो बॉटल लेके जाता हूँ, और पीने के लिए वहाँ से झरनों का नेचुरल पानी भर के लेके आता हूँ। मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, और देखिए पैरों पर पानी डलवाया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कर दिया करें। आजकल आप शेयर नहीं करते हैं, चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, और चैनल पर अगर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। अगर आपकी कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है, आप किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं उसके टॉपिक के ऊपर भी, अगर मेरे नॉलेज में होगा और मैंने अपनी लाइफ में सफ़र किया होगा, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए इंजॉय करिए वीडियो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।